नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। दिल्ली में 6 महीने बाद फिर किसानों की एंट्री। दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी। 19 दिन तक रोज 200 किसान लगाएंगे किसान संसद। अब हॉस्पिटलों के नाम पर राजनीति। ग्वालियर सांसद ने सीएम को पत्र लिखकर 2 अस्पतालों के नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद पूर्व पीएम अटल बिहारी के नाम पर करने की मांग उठाई। एमपी में 11.40 लाख का आज वैक्सीनेशन। आज भोपाल में 104 सेंटर पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज। कोवैक्सीन का दूसरा डोज शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं को लगेगी वैक्सीन। फेसबुक में दोस्ती करना पड़ा महंगा। रीवा की युवती को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी यूपी के कुशीनगर से गिरफ्तार। आपत्तिजनक चीजें वायरल करने की दे रहा था धमकी। नकली क्राइम ब्रांच अफसर बनकर ठगी। इंदौर में युवती ने बीमा कराने के बहाने बुजुर्ग एजेंट को बुलाया, बदमाशों ने पीटा और लड़की के साथ वीडियो बनाया। कोरोना से ज्यादा जानलेवा वायरस। चीन में बंकी बी वायरस के पहले मरीज की मौत। संक्रमित होने पर 80% तक मौत की दर। आगरा में डॉक्टर को किडनैप करने वाले 2 बदमाश मारे गए। फिल्मी स्टाइल में 2 घंटे तक चला एनकाउंटर। एसएसपी ने बताई पूरी कहानी। कहा बाइक रोकने पर पुलिस पर गोलियां चला दी। यूपी में मानसून का दूसरा दौर जारी। 34 जिलों में बारिश होने को लेकर ऑरेंज येलो अलर्ट। गोरखपुर में हुई सबसे ज्यादा बरसात। 87 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कानपुर में खुलेंगे 3 नए CNG स्टेशन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद तेजी से बढ़ी CNG पंप की डिमांड। हजारों वाहनों को कम समय में मिल जाएगी गैस। राफेल जेट की 7वीं खेप भारत पहुंची। फ्रांस से 3 और लड़ाकू विमान आए। अब तक 24 पहुंचे। बंगाल के हासीमारा में होगी तैनाती। कोरोना देश में बीते दिन 41,683 केस आए। 38,793 ठीक हुए और 510 मौतें। केरल ने बढ़ाई चिंता। दो दोस्तों ने 20,000 रुपए खर्च कर सूखी पत्तियों से प्लेट बनानी शुरू की। आज 18 करोड़ टर्नओवर। 140 लोगों को नौकरी भी दी। 22 दिनों तक बिहार में मानसूनी बारिश की संभावना नहीं। सिर्फ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश। बढ़ेगी उमस भरी गर्मी। भतीजे ने चाचा को मारी गोली। बेगूसराय के साहिबपुर में जमीन विवाद में भतीजा ने चाचा को मार डाला। हथियार लहराते हुए भतीजा फरार। लुधियाना में किसान ने की खुदकुशी। सल्फास निगल कर दी जान। 9,40,000 रुपए का कर्ज नहीं लौटाने पर साहूकार ने घर आकर किया था जली। ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सच। केंद्र बोला ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। मंत्री रघु ने कहा राजस्थान ही नहीं पूरे देश में मौतें। भ्रष्टाचार की खानों का सरकारी रिकॉर्ड। जिन खानों से 1 टन पत्थर भी नहीं निकला था वहां सरकारी रिकॉर्ड में 3.71 लाख टन निकलना दिखाया। कंपनी हो तो ऐसी। HCL टेक अपने टॉप परफॉर्मर्स को देगी मर्सिडीज बेंज। 2013 में दी थी 50 मर्सिडीज कार। राजस्थान में फिर कांपी धरती। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। शेयर बाजार। निफ्टी 173 पॉइंट चढ़कर 15,800 के ऊपर पहुंचा। सेंसेक्स में भी 620 पॉइंट की बढ़त। मेटल और रियल्टी शेयरों में जोरदार खरीदारी। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।